अगर आप भी अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोफेशनल कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो आने वाले के बारे में आपको पता चले। अगर आप अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोफेशनल कोर्स के अंदर एनरोल करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगी कंसेप्चुअल वीडियो और कंसेप्चुअल वीडियो के साथ साथ आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट एंड फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आपको ये कोर्स के फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप कमेंट्स में भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं नोट्स, या आप हमारे एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 21 इन योर कोर्स एंड दिस चैप्टर इज अबाउट कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक। तो कंसोलिडेशन से हमारा क्या मतलब है? दैट व्हेन वी आर When a parent company prepares its balance sheet, तो वो सिर्फ अपनी बैलेंस शीट नहीं बनाती, उसको अपने सारे सब्सिडरीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने साथ क्या करना पड़ता है, मर्ज करना पड़ता है एंड उसको अपने कंप्लीट ग्रुप की एक फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी होती है। एंड जब वो सारे अपने सब्सिडरी कंपनीज एंड अपने इन्वेस्टमेंट जहाँ जिस जिस कंपनी में उसने करी है उसको कंसोलिडेट करती है एंड देन इट मेक्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो हमारी होती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गवर्न कौन करता है? सो इसके बारे में गाइडेंस हमें दी गई है अंडर AS 21 दैट टॉक्स अबाउट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड इसमें हमें चार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। वी विल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड PNL एंड नोट्स, देन वी विल प्रिपेयर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी कंसोलिडेटेड। नाउ कंसोलिडेशन में होता क्या है? दैट पेरेंट कंपनी एंड देन वी हैव सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो सब्सिडरी कंपनी अपनी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बनाएगी, पेरेंट कंपनी अपनी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बनाएगी एंड देन जब उन दोनों कि एक साथ हम एक मर्ज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे दैट इज आवर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि कौन सी एंटिटीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी कंसोलिडेटेड, जो कि क्या है, अंडर द कंट्रोल ऑफ द पेरेंट कंपनी। नाउ हियर कंट्रोल वर्ड हैज सिग्निफिकेंस। ओके, कंट्रोल हम नॉर्मली कब मानते हैं कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल कब आता है? नॉर्मली हम क्या मानते हैं, जब उसकी मोर देन 50% या 51% क्या होती है, शेयर होल्डिंग होती है एक दूसरी कंपनी के अंदर, जिसके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं 50% से ज्यादा। तो हम मानते हैं कि हाँ कि अब 50% से ज्यादा वोटिंग राइट इसके पास है, तो इट मीन्स दिस कंपनी इज कंट्रोलिंग द अदर, राइट? दिस इज वन वे ऑफ डिफाइनिंग द कंट्रोल इन कंपनीज, बट देर आर मोर देन वन वेज जिसके थ्रू कंपनीज क्या करती हैं, एक दूसरे पे कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी के अंदर जो सारे डिसीजन होने हैं वो दूसरी कंपनी की मैनेजमेंट ले रही है, बट उस कंपनी ने क्या किया हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, 50% से कम ही इन्वेस्टमेंट है, तब भी हम क्या मानेंगे कि वो एंटिटी क्या है, कंट्रोल वे है ऑफ दिस एंटिटी। एंड जब कंट्रोल आ जाता है, कंट्रोल इज नॉट डिफाइंड बाय शेयर होल्डिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। कंट्रोल है कि आपका उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग के ऊपर राइट है, आप उसके डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हो, आपका वहां पे मेजर इंपैक्ट होना चाहिए। अगर ये है, इट मींस यू हैव द कंट्रोल। ठीक है, तो अगर कंट्रोल आ गया, ओनली देन यू हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला है दैट अगर कंट्रोल होगा देन यू हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब आप बनाते हो तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट आपकी सब्सिडरी ही होनी चाहिए, तभी आप उसका क्या करोगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। अगर वो आपकी एसोसिएट है या आपकी ज्वाइंट वेंचर है तब भी आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल, आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस, व्हाट डू वी मीन बाय एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर? सो एसोसिएट क्या होते हैं कि सब्सिडरी हमारी मानते हैं हम, दैट जब 50% से ज्यादा हमारा क्या हो जाए, वोटिंग राइट हो जाए या हमारा कंट्रोल आ जाए उसके ऊपर, देन वी से कि ये कंपनी हमारी सब्सिडरी है। बट एसोसिएट कब होते हैं, जब आपका उस कंपनी के ऊपर कंट्रोल डायरेक्टली नहीं है बट आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मीन्स कि आपका डिसीजन इम्पैक्ट करने वाला है, कुछ इम्पैक्ट है, डायरेक्ट ये नहीं कि आप सीधा कंट्रोल ही कर रहे हो बट आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है।
तो हमें इसकी अलग अलग परसेंटेज की होती है वैल्यू. लाइक अगर हम नॉर्मली देखें तो मोर देन 20% इफ यू आर होल्डिंग इन अ कंपनी, तो ऐसा कहते हैं कि यू हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर दैट कंपनी, एंड वहां पे आप क्या, वो कंपनी आपकी फिर क्या बन जाती है, एसोसिएट बन जाती है. तो अगर कंपनी एसोसिएट बन गई तब भी क्या बनानी पड़ेगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी. एंड जॉइंट वेंचर क्या होता है कि आपने कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करा, दो कंपनीज ने मिलकर इन्वेस्टमेंट डालकर एक थर्ड एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है, एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, जिसे जॉइंट वेंचर कहा गया है. तो अगर जॉइंट वेंचर में भी आपका शेयर है, जॉइंट वेंचर में भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी प्रिपेयर करनी पड़ेगी. सो ये हो गया. ये किसके पर्पस के लिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर्पस के लिए. बट अगर सेबी की रिपोर्टिंग देखें, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग गाइडलाइंस देखें, तो वहां पर जो आपको क्वार्टरली रिपोर्टिंग करनी होती है, वहां पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेसेसरी नहीं होगी अगर कंपनी आपकी क्या नहीं है, सब्सिडरी नहीं है. मींस अगर एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर है, देन यू इट्स ओके, यू डोंट नीड टू रिपोर्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सेबी क्वार्टरली रिपोर्टिंग. बट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाते हो, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एसोसिएट के भी CFS प्रिपेयर करने पड़ेंगे. नाउ बैंक्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो बैंक्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको सबसे पहले तो देखना है कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट हैं आपके, जिसमें आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिस जिस कॉम्पोनेंट की आपके अंदर इंक्लूड होने वाली है, आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं. रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, देन आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कौन कौन सी हैं, बिकॉज ये जो सब्सिडरी कंपनीज होती है, एसोसिएट कंपनीज होती है, ये हमारी क्या होती है, रिलेटेड पार्टीज ही होती है कंपनीज की, राइट. तो ये सारी चीजें बैंक्स को देखनी है. अब हम देख लेते हैं स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर का मेन क्या रोल है इन प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो सबसे पहले एक मेन चीज हमें पता होनी चाहिए कि बैंक्स में क्या होते हैं ऑडिटर, क्योंकि बैंक्स, हर बैंक की कितनी सारी ब्रांचेज होती हैं, राइट, कितनी सारी सब्सिडरी कंपनीज होती है, तो डेफिनेटली एक ऑडिटर सारा काम नहीं करता. देर आर मोर देन वन ऑडिटर, देर इज अ हेड ऑफिस का ऑडिटर, एंड देन वी हैव द ब्रांच ऑडिटर. एंड जो हेड ऑफिस का ऑडिटर है, जो मेन कंपनी का ऑडिट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, जो मेन कंपनी का ऑडिट कर रहा है, राइट. देन वी हैव ब्रांच ऑडिटर एंड सब्सिडरी के ऑडिटर्स हो गए, ठीक है. तो ये हमारे ऑडिटर होते हैं. अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सेंट्रल ऑडिटर की, जिसने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रोल देखना है. तो सबसे पहली चीज आती है कि उसको क्या देखना पड़ेगा, कि इंश्योर करना पड़ेगा इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये फॉलो हो रहे हैं, रिगार्डिंग सेगमेंट रिपोर्टिंग, रिगार्डिंग कंसोलिडेशन, ठीक है. तो ये सारे गाइडेंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे. देन कंपोनेंट ऑडिटर्स जो है, अब यहाँ पे कंपोनेंट ऑडिटर्स का मतलब क्या हो गया, कि जो आपके ब्रांच का ऑडिटर हो गया, जो आपका सब्सिडरी का ऑडिटर हो गया, एसोसिएट कंपनी का, मींस जिस जिस कंपनी के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जिस जिस ब्रांच के आप इंक्लूड करने वाले हो, वो हमारे क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए. एंड उन कंपोनेंट ऑडिटर्स की रिपोर्ट पड़ेगा स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, दैट उसमें उन्होंने अदर मैटर्स में क्या क्या मेन हाईलाइट किया हुआ है, या उन्होंने एम्फसिस ऑफ मैटर में क्या डाला हुआ है. देखो ऑडिट रिपोर्ट में ना ये मेन पार्ट होते हैं, दैट ऑडिट ओपिनियन के बाद वो अदर मैटर्स बताते हैं कि हाँ, कि उससे हमारा ऑडिट ओपिनियन तो नहीं इफेक्ट हो रहा, बट ये चीजें हैं जो कुछ यूजर्स को पता होनी चाहिए, इसलिए ऑडिटर क्या करते हैं अपनी रिपोर्ट में अलग से दिखा देते हैं अदर मैटर्स में, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. एम्फसिस ऑफ मैटर में बता देते हैं कि कुछ चीजें हैं जो डिसीजन इफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए वहां पे आनी चाहिए. एंड अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है, मीन्स अगर ऑडिटर कंपोनेंट के ऑडिटर ने बोला कि इस ब्रांच का जो ऑडिट, इस ब्रांच की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, तो ऑडिटर क्या करेगा, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा, दैट मेरे अकॉर्डिंग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रही. अगर ऑडिटर ने ये ओपिनियन दिया हुआ है, या उसने कोई स्पेशल मैटर उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस चीज पे ध्यान आपको देना चाहिए, ऑडिटर ने, किसके ऑडिटर ने, कंपोनेंट ऑडिटर ने, तो सेंट्रल ऑडिटर का ये क्या रोल बनता है, कि उसको ध्यान से देखना चाहिए कि उसने क्या बात हाईलाइट करी है, एंड उसने किस पॉइंट पे मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, बिकॉज फिर वो उससे असेस करेगा कि इस चीज का मेरी जो मेन सेंट्रल, मेरी जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने वाली है उस पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ठीक है, वो उससे इम्पैक्ट असेस करेगा. इसलिए सेंट्रल ऑडिटर के लिए ये बाकी कंपोनेंट ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है. तो ये हमें समझ आ गया. देन उन्होंने क्या बोला कि जब भी आप ऑडिटर रिपोर्ट किसी और ऑडिटर की रेफर करोगे, ठीक है, सेंट्रल ऑडिटर जब भी किसी और की रिपोर्ट को रेफर करेगा, तो उसको बताना पड़ेगा कि कितने पोर्शन का, कितना पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस ऑडिटर ने ऑडिट करा, ठीक है. बिकॉज अगर मैं मान लो, मैं कह रही हूं कि
एक मेरे ऑडिटर ने, एक ब्रांच के ऑडिटर ने क्या किया कि एक मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, एंड मैटर वाज मटेरियल, इट शुड हैव बीन हाइलाइटेड, इसलिए सेंट्रल ऑडिटर ने उस चीज को रेफरेंस दी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. बट अब उसका इम्पैक्ट एज अ होल कितना है, उस ब्रांच का इम्पैक्ट मेरे कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कितना है, वो मुझे बताना पड़ेगा. कि वो जो ऑडिटर ने ओपिनियन दिया है, वो मान लो मेरी पूरी ग्रुप का सिर्फ 5% ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिग्निफिकेंस कम हो जाएगी. लेकिन अगर उस ऑडिटर ने जिस पे ओपिनियन दिया है, वो मेरी पूरी ब्रांच, मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का लेट्स से 45% रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनेंशियल सिस्टम को, तो यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएगी, काफी सिग्निफिकेंट हो जाएगी. इसलिए जब भी सेंट्रल ऑडिटर क्या कर रहा है, दूसरे ऑडिटर की रिपोर्ट का रेफरेंस दे रहा है, तो उसको बताना पड़ेगा कि कितना पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस ऑडिटर ने ऑडिट किया था, इधर इन रुपीज अमाउंट, या तो रुपीज में बता दो, या क्या करो परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू या टोटल एसेट की, टोटल एसेट में से इस वाली ब्रांच का इतना पार्ट है कि टोटल एसेट में दिस ब्रांच कॉन्स्टिट्यूट 20%, दिस ब्रांच कॉन्स्टिट्यूट 5%. तो वहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कि रेलेवेंस कितनी है. अगर तो परसेंटेज बहुत कम है, देन इट्स नॉट रेलेवेंट. तो यूजर्स को ये काफी हेल्पफुल रहेगा, है ना. तो इसलिए ये रेफरेंस देना बहुत जरूरी है. देन नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या बोली है कि मान लो अगर सेंट्रल ऑडिटर ने दूसरे ऑडिटर की रिपोर्ट को रेफर किया, उसके पॉइंट को हाईलाइट किया, और उस ऑडिटर ने रिपोर्ट को क्या किया हुआ था, मॉडिफाई किया हुआ था, या मॉडिफाई नहीं भी किया हुआ था, तो रिपोर्ट दूसरे ऑडिटर की रिपोर्ट को रेफर करने का मतलब ये नहीं है कि जो सेंट्रल ऑडिटर है वो रिपोर्ट को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है. मॉडिफाई कर रहा है का मतलब क्या है कि वो क्या कहना चाह रहा है, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, तो इसका मतलब ये नहीं होता. ठीक है, रेफरेंस देने का मतलब है कि ही इज मेकिंग हाईलाइटिंग अ पॉइंट. ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है. देन नेक्स्ट रोल हमारा सेंट्रल ऑडिटर का क्या आ जाता है कि उसको जनरल इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए टू द ब्रांच ऑडिटर, टू द कॉम्पोनेंट ऑडिटर्स. क्यों? क्योंकि उसने क्या करना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने है. तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए उसको डाटा एक पर्टिकुलर फॉर्म में चाहिए होगा, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक चाहिए होगा, या कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी कि ही वॉन्ट्स अदर ऑडिटर टू चेक दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, तो उसको एक जनरल इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए ब्रांच ऑडिटर्स को, ताकि उसका काम जो है आसान हो सके एंड कंसोलिडेशन जो है वो ईजी हो सके. ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला है कि सिमिलर इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑडिटर ऑफ द कॉम्पोनेंट्स. तो वही बात है कि यहाँ पे हमने ब्रांच ऑडिटर्स बोल दिया, यहाँ पे कॉम्पोनेंट से वी मीन द ग्रुप कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट एक्सेट्रा. ठीक है, तो इन दोनों को जनरल इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि कंसोलिडेशन के लिए क्या क्या नोट्स नेसेसरी है एंड क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होगी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोल किसका, स्टैचुटरी सेंट्रल ऑडिटर का, कि उसको किन किन चीजों का ध्यान रखना है जब भी वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी प्रिपेयर करने वाला है. एंड देन लास्ट में उन्होंने क्या बोला कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो बॉडी ऑडिटर्स को गवर्न करती है, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ किसी अनाउंसमेंट में गाइडेंस नोट निकाला है दैट ऑडिटर्स को कैसे कैसे क्या क्या चीज इंक्लूड करनी चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है, ताकि वो चीज ऑडिटर के लिए गाइडेंस रहे. एंड ऑडिटर जो है, जब भी सेंट्रल ऑडिटर है, ही शुड मेक श्योर दैट वो इन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है. ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए मेनली. तो देखो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि एक बैलेंस शीट है ए कंपनी की, एक बैलेंस शीट है बी कंपनी की, सी की, और ये होगी मेरी सीएफएस. ठीक है, तो मान लो अगर यहाँ पे मशीनरी है 10,000 की, यहाँ पे मशीनरी है 20 की, यहाँ पे मशीनरी है 50 की, तो मेरी कंसोलिडेटेड में कितने की आ गई मशीनरी बताओ, 10 + 20 = 30 + 50 = 80 आ गया. ऐसी मान लो स्टॉक है, अब इन्वेंट्री है, यहाँ पर है 5 इन्वेंट्री, यहाँ पर है ऑफ 10, एंड हियर वी हैव द इन्वेंट्री ऑफ 5 अगेन. ठीक है, सो टोटल इन्वेंट्री मेरी कितनी होगी, 20 हो गई. कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है. बट एक चीज बताओ कि एक कंपनी तो है, जो ए कंपनी है और जो सी कंपनी है, वो तो इन्वेंट्री को वैल्यू कर रही है ऑन बेसिस ऑफ लेट्स से एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर. ठीक है, कि रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट जो भी लोअर है उसके ऊपर वो वैल्यू कर रहे हैं अपनी इन्वेंट्री को. बट जो बी कंपनी है, बी कंपनी क्या कर रही है, बी कंपनी इज यूजिंग सम अदर वैल्यूएशन मेथड. बी कंपनी रिटेल वैल्यू मेथड यूज कर रही है, कि जितना रिटेल में वैल्यू आएगा उसमें से अपना प्रॉफिट माइनस करके जो वैल्यू आएगी उस पर मेजर कर रही है. अब क्या इन तीनों को सीधा टोटल हमें कर देना चाहिए,
बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया कि एक स्टॉक तो मेरा अलग वैल्यूएशन मेथड पे है, यहाँ पे मेरा वैल्यूएशन मेथड अलग हो गया एंड यहाँ पे मेरा वैल्यूएशन मेथड अलग हो गया। जब मैं इन तीनों को टोटल कर दूंगी तो क्या ये मेरी कंसोलिडेटेड पोजिशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज पॉलिसीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसी तरह ये जैसे मैंने एक स्टॉक की एग्जाम्पल दिया, हो सकता है मशीनरी की डेप्रिसिएशन में एक तो फॉलो कर रहा रिटर्न डाउन, एक फॉलो कर रहा यूनिट मेथड, एक फॉलो कर रहा कोई और मेथड, ठीक है, सिमिलर एसेट्स के ऊपर। तो इस तरह कंपनी की पॉलिसीज क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो जब भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है तो वहां पे हमारे लिए पॉलिसी सेम होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम अकाउंट्स में स्टार्टिंग से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं दैट हमारे लिए क्या जरूरी है, यूनिफॉर्मिटी, कि आप एक चीज फॉलो कर रहे हो उसी को सही तरह से फॉलो करोगे, एंड अदर वन इज कंसिस्टेंसी, कि एक पॉलिसी अगर फॉलो हो रही है तो वही पॉलिसी आपकी हर बार फॉलो होती रहेगी, ठीक है। तो अगर तीन चार कंपनियों की बैलेंस शीट इकट्ठी हो रही है एंड तीन हर बंदा अपनी अलग अलग पॉलिसी बना रहा है, तो कंसोलिडेटेड में मेरे को कैसे, यूजर को कैसे यकीन होगा कि कैसे इस चीज को एनालाइज करूं, बिकॉज पॉलिसी चेंज होते ही एनालिसिस डिफरेंट हो जाता है, राइट। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए जब भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, इट शुड बी यूनिफॉर्म, ठीक है, एंड इफ इट इज डिफरेंट इन एनी केस, ठीक है, तो वहां पे यू हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट, यू हैव टू मेक सम चेंजेस, यू हैव टू गिव डिस्क्लोजर, सो ऑडिटर शुड इंश्योर दैट ये सारी चीजें क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट पॉलिसीज डिफरेंट है तो क्या करना है। नेक्स्ट थिंग इज दैट वन सेकेंड नेक्स्ट थिंग इज कि कंट्रोल एग्जिस्ट होने पे ही आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। तो ये हमने चीज डिस्कस करी थी कि कंट्रोल एग्जिस्ट करेगा तभी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, एंड कंट्रोल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने क्या करा, उसका वोटिंग राइट ऑन करा हुआ है, इसके अलावा भी आप कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हो किसी के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भी आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जाओ, दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि कंट्रोल क्या है, कंट्रोल किस, कंट्रोल को डिफाइन कैसे करते हैं, देन हाउ आर यू गोइंग टू डिटरमिन कि कौन सी एंटिटी के ऊपर हमारी कंपनी का कंट्रोल है, ठीक है, तो फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करोगे। तो इसलिए सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है। देन उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई बैंक है, इट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एंटिटी इन स्पाइट ऑफ माइनर शेयर होल्डिंग, एंड किस तरह से वो कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है, बाय वर्च्यू ऑफ कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। हो सकता है कि एक बैंक का कंट्रोल है कि उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन अपॉइंट होगा, ये बैंक ही डिसाइड करेगा, तो बैंक तो कंट्रोल कर रहा है क्योंकि डायरेक्टर्स नहीं तो सारे डिसीजन लेने हैं, राइट। तो अगर ये चीज बैंक कंट्रोल कर रहा है तो बैंक का क्या है, कंट्रोल है। अब चाहे वहां पर इसकी शेयर होल्डिंग 2% ही क्यों ना हो, हम क्या कहेंगे कि बैंक का कंट्रोल है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग क्या होगी, इनसिग्निफिकेंट होगी। तो इसलिए कंट्रोल को आपको समझना है, शेयर होल्डिंग पे को नहीं देखना सिर्फ, ठीक है। तो ये चीज होगी। तो यही वो कह रहे हैं दैट देयर आर अदर वेज टू एक्सरसाइज द कंट्रोल, जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट हो सकता है कि उस कंपनी में जो जिस मेन टेक्नोलॉजी को यूज करा जा रहा है टू गवर्न ऑल द ऑपरेशन, वो टेक्नोलॉजी आपके कंट्रोल में है, तो फिर तो आप ही कंट्रोल कर रहे हो उसको, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैट्यूट या कुछ लॉ ही ऐसा आ गया कि आपके कंट्रोल में, तो इस तरह से आपको देखना कि कंट्रोल एक्सरसाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तभी आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। देन द थर्ड पार्ट इज कि चेंजेस इन शेयर होल्डिंग को बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि शेयर होल्डिंग के चेंज होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, हमारा जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। देखो जब भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वहां पे दो पार्ट में शेयर होल्डिंग डिफाइन होती है, एक होता है पेरेंट कंपनी का इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि मेनली मेजरली क्या होता है वो सबसे ज्यादा होता है, 60% 70% इफ द कंट्रोल इज, अगर हम कंट्रोल को किस परस्पेक्टिव से देखें, शेयर होल्डिंग की परस्पेक्टिव से देखें, तो 60-70% तक होता है कंट्रोल, ठीक है। तो उसके अलावा जो भी शेयर होल्डर होते हैं उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर शेयर होल्डिंग चेंज हो रही है तो इस पार्ट में चेंज हो गया, एंड यहाँ पे फिर उसकी प्रेजेंटेशन चेंज होती है, अकाउंटिंग चेंज होती है। तो इसलिए ध्यान देना जब भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ कि शेयर होल्डिंग चेंज हुई है, कितनी हुई है, एंड कितना कितना चेंज आया। देन उसके अलावा कुछ और ट्रांजेक्शन है जिसके ऊपर ध्यान देना है, ये सारी क्या होती है, दीज आर द एडजस्टमेंट्स यू हैव टू मेक। अभी मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही बताऊंगी ना कि इस चीज का ध्यान दो, आपको इतना बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा, रीजन बीइंग
कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट जो होती है ना वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, एंड जब आप प्रैक्टिकली ये चीजें करते हो तब आपको बहुत अच्छे से समझ आता है दैट यस दिस इज वाई वी आर एडिंग दिस, दिस इज वाई वी आर रिमूविंग दिस थिंग फ्रॉम हियर. आप कुछ ट्रांजेक्शन को निकाल देते हो, कुछ ट्रांजेक्शन को एड कर देते हो, ठीक है. तो इस तरह की एडजस्टमेंट्स करनी होती है, पार्टीशन करना होता है, स्प्लिटिंग करनी होती है प्रॉफिट की. तो वो सारी चीजें ही इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि ये सारे एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखना है. तो आप इसको ऊपर ऊपर से एक बार रीड कर सकते हो बिकॉज कंप्लीटली आपको ये अभी इतना नहीं समझ आएगा विदाउट एक्चुअली सीइंग और विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जो कि बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट कैसे किया जाता है, ठीक है. तो ये चीज है कि आपको इतना अच्छे से ये अभी मैं बता रही हूँ दैट हो सकता है कि आपको नहीं समझ आएगा, तो टेंशन नहीं लेनी उस बात की दैट कि हो सकता है कि मैनेजमेंट को कितनी फीस पे करी है उसकी एडजस्टमेंट होगी, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट की एडजस्टमेंट होगी. मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ, ठीक है. लेट्स से कि ए कंपनी है एंड बी कंपनी है. नाउ ए इज द पेरेंट कंपनी एंड बी इज द सब्सिडियरी कंपनी. ए ने क्या किया, बी को अपनी मशीनरी सेल करी जो ए ने खरीदी हुई थी 1,00,000 रुपए की, एंड बी ने कितने की खरीदी हुई थी, बी को उसने सेल कर दी 1,50,000 की. नाउ इंडिविजुअली अगर देखें तो ए की बुक्स में कितना हो गया, 50,000 का प्रॉफिट हो गया, एंड बी की बुक्स में क्या हो गया, 1,50,000 की मशीनरी खड़ी होगी. ये तो हो गया इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव. बट ग्रुप के पर्सपेक्टिव से सोचो तो क्या 50,000 का प्रॉफिट एक्चुअली में हुआ है, नहीं हुआ. क्या वो मशीनरी एक्चुअली में 1,50,000 की नहीं है, क्योंकि मशीनरी तो 1,00,000 की है, वो तो उसने उसको सेल करी है 50,000 प्रॉफिट लेके. तो जब ग्रुप पर्सपेक्टिव से सोचते हैं ना तो इस तरह के प्रॉफिट को रिमूव करना पड़ता है बिकॉज ये प्रॉफिट जो 50,000 का है ये ए के बुक्स में तो दिख रहा है बट एक्चुअली तो एक पूरे घर के हिसाब से देखे तो फिर तो पैसा अभी आया ही नहीं है ना. पैसा हम कब मानते हैं, जब बाहर से आता है. इट्स लाइक कि पैसा मम्मी के पास था, मम्मी से पापा के पास चला गया तो पापा के पैसा बढ़ गया, ठीक है, अलग अलग देखो. बट अगर घर के पर्सपेक्टिव से देखो तो घर में तो उतना ही पैसा है ना, बस ये है कि एक बंदे से निकल के दूसरे बंदे की जेब में चला गया. तो इस तरह के एडजस्टमेंट्स को हमने निकालना होता है, ठीक है. इसी तरह की इंटर ग्रुप इंडेटेडनेस को निकालना है. अभी जैसे अगर मान लो आप अपने भाई से अपने कुछ पैसे उधार लिए हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअली यू आर इन डेट, इंडिविजुअली आपने पैसा देना है, बट एज अ फैमिली एज अ ग्रुप क्या आपके ऊपर एक्चुअली कोई देनदारी है, नहीं. बिकॉज वो क्या अंदर की बात है, वो तो चलो कोई बात नहीं आप आपस में एडजस्ट कर सकते हो. हम एक्चुअली क्या दिखाना चाहते हैं कि बाहर वाले लोगों से हम क्या डील कर रहे हैं, आउटसाइड पार्टीज के साथ हमारी क्या डीलिंग चल रही है, वो हमारे लिए मेन होता है दिखाना. इसीलिए जब भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है ना हम इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन को निकालते हैं. आप जैसे देखो ब्रांच की जब बुक्स हम कंसोलिडेट करते हैं ब्रांच की बुक्स को, ठीक है, तो हम वहां पे क्या करते हैं इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट को निकाल देते हैं. क्यों निकाल देते हैं, बिकॉज कंपनी तो एक ही है ना, ठीक है, आपस में पैसे देने हैं तो उसका मतलब ये ना कि पैसा तो कंपनी में ही है. इसी तरह ग्रुप के केस में भी सेम ही करना होता है कि ग्रुप कंपनीज में भी पैसा जब तक हमारे सेम में है वो सारे ट्रांजेक्शन हमने रिमूव कर देनी है फालतू की, ताकि क्या हो जाए ट्रू पिक्चर हमें दिख जाए. तो इसलिए ये सारी एडजस्टमेंट आपको देखनी होती है. क्या हो गया, इंडेटेडनेस हो गया आपका, या हो गया डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेट्स है. अगर हाँ डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेट्स हैं आपकी, कि मान लो एक जो ए कंपनी बना रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये तो फॉलो कर रही है कैलेंडर ईयर 1 January to 31 December. अब बी जो है ये फॉलो कर रही है फाइनेंशियल ईयर 1 April to 31 March. तो इनकी तो बैलेंस शीट ही मैच नहीं होगी ना. एक ने अब इसने तो बना दी अपनी 31 March को बैलेंस शीट, इसने बनाई है 31 January को, तो कंसोलिडेशन करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा. तो वहां पर भी आपको एडजस्टमेंट्स करनी होती है. ये सारी गाइडेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दी होती है, ठीक है. देन ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या मूवमेंट हुई है वो सारी आपको देखनी होती है. स्टेप एक्विजिशन क्या हुई है, स्टेप एक्विजिशन क्या होता है कि कभी कभी डायरेक्टली आप किसी को अपना सब्सिडियरी नहीं बनाते हो. पहले मैंने उसका 10% खरीदा, फिर मैंने उसका 20% और खरीदा, फिर मैंने सीधा 25% खरीद लिया. तो ये क्या हुआ, स्टेप्स में मैंने अपने कंट्रोल्स के ऊपर एक्सरसाइज कर लिया. आज की डेट में अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितना कंट्रोल है, 55% शेयर मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है. तो एकदम से तो 55 नहीं आया, क्या आया, स्टेप बाय स्टेप आया. तो स्टेप एक्विजिशन की अकाउंटिंग अलग से होती है, ठीक है. गुडविल क्रिएट होती है कंसोलिडेशन के केस में, तो गुडविल की इंपेयरमेंट होती है कि गुडविल की आज के दिन में एक्चुअली क्या वैल्यू है, ठीक है. तो ये सारी एडजस्टमेंट देखनी होती है. सो इसको इतना ज्यादा याद करने की कोशिश नहीं करनी है बिकॉज समझ ही नहीं आएगा ऐसे, ठीक है. जस्ट रीड इट वंस.
जितना आपको समझाना था मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा ही समझा दिया, अब इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं देखना है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या हमने फॉलो करना है। फॉर्मेट्स, फॉर्मेट्स हमारे क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, बिकॉज उससे क्या आएगा, इजी हो जाएगा कंसोलिडेट करना, ठीक है। अभी अगर मैं अपने बुक्स में क्लासीफाई कर रही हूँ करंट और नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स को, मैं किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रही हूँ, दैट जो मेरी 12 मंथ्स के अंदर रियलाइज होगी उस पे, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ अपना 12 मंथ से ज्यादा वाले, मान लो ऐसा वैसे होता नहीं है बट मान लेते हैं दूसरी कंपनी क्या फॉलो कर रही है कि 6 मंथ्स वाले करंट है और उसके बाकी सारे क्या है नॉन करंट है, तो क्लासिफिकेशन फर्क आ गया, फॉर्मेट डिफरेंट हो गए, फिर हमारी कंसोलिडेशन में डिफिकल्टी आएगी। तो हमें क्या करना है, फॉर्मेट सेम फॉलो करने की कोशिश करनी। देन रिपोर्टिंग डेट का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि सेम रिपोर्टिंग डेट होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज तभी आप क्या कर सकते हो, कंसोलिडेट कर सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। बट अगर मान लो सेम नहीं है हमारे पास डेट, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर एक मेथड होता है 6 मंथ ओल्ड बैलेंस शीट एंड उसके अंदर एडजस्टमेंट कर देते हैं। मीन्स कि पुराने से पुरानी आप क्या कर सकते हो, 6 महीने, जैसे 31 मार्च को अगर मैंने करना है कंसोलिडेट, ठीक है, तो 31 मार्च से बैक 6 मंथ तक मैं जा सकती हूँ, एंड इस दौरान जो लेटेस्ट बैलेंस शीट बनाई होगी ना सब्सिडरी कंपनी ने, वो बैलेंस शीट मैं उठाऊंगी और उसमें एडजस्टमेंट्स करूंगी 31 मार्च तक के पीरियड की, एंड देन जो एडजस्टमेंट करने के बाद फिगर आएगी उसको क्या मैं कर दूंगी, कंसोलिडेट कर दूंगी अपने साथ, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली तो 31 मार्च की मेरे पास अवेलेबल नहीं है बैलेंस शीट इस कंपनी की, तो मुझे तो किसी तरह से 31 मार्च की पोजिशन लानी पड़ेगी ना, तो फिर हम ये मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। देन उन्होंने क्या बोला कि डेट्स अगर डिफरेंट है तो फॉलो किसकी डेट होगी, ऑब्वियसली पेरेंट कंपनी की फॉलो होगी, बिकॉज पेरेंट्स की चलती है, ठीक है, तो जो मेन बंदा कंट्रोल कर रहा है उसी की फॉलो होगी। देन उन्होंने क्या बोला कि अगर बैलेंस शीट की डेट क्या हो रही है, कोइंसाइड हो रही है, तो वन सेकेंड, बैलेंस शीट डेट कोइंसाइड विद दैट ऑफ द बैंक शैल पब्लिश इट्स CFS विदाउट वेटिंग फॉर ऑडिट ऑफ देयर सब्सिडरी। हाँ जी, तो क्या हो गया कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी थी, बट जो मेन हेड है, जो मेन पेरेंट है, उसको अपने एक पर्टिकुलर पीरियड तक बना के देनी है, बट अभी तक उसके ब्रांच की या उसकी किसी सब्सिडरी की कंसोलिडेटेड उसकी ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं हुई, उसकी बैलेंस शीट ऑडिट ही नहीं हुई है, तो उस केस में उन्होंने क्या बोला कि आपको क्या करना है कि अगर CFS बनाने की आपकी डेट आ गई है, यू प्रिपेयर इट, आपका चाहे अनऑडिटेड डेटा यूज कर लो बट यू हैव टू प्रिपेयर इट, ठीक है, विदाउट वेटिंग फॉर ऑडिट। आप ये नहीं कर सकते कि मैं अब बोलूं कि मेरी तो जी सब्सिडरी का ही ऑडिट नहीं हुआ है, तो मैं सॉरी मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकती, क्योंकि हो सकता है आपकी सब्सिडरी अनलिस्टेड हो, उसको अभी उसकी ड्यू डेट दूर हो बैलेंस शीट बनाने की, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर ऐसा केस है तो उन्होंने क्या बोला कि यू डोंट वेट फॉर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप अपनी कंसोलिडेटेड बनाओ सब्सिडरी की इंक्लूड करके, ठीक है। देन उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला, ये ड्यूटी बनती है, किसकी ड्यूटी बनती है, कि जो बैंक्स अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टैंड अलोन मीन्स अपनी अकेले की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो वो लोग इंश्योर करें ना, सब्सिडरी इंश्योर करें ना कि हाँ कि कंसोलिडेशन होनी है, इतनी तारीख तक होनी है पेरेंट की बुक्स के साथ, तो वो अपना ऑडिट तब तक करवा के चले, ठीक है, तो ये चीज उनको इंश्योर करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग डेट के बारे में, क्या क्या ध्यान रखना है जब भी कंसोलिडेशन करनी है। देन यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, दैट अकाउंटिंग ट्रू व्यू कब देगी, जब आप सेम रूल फॉलो करोगे, सेम चीजें फॉलो करोगे, तभी आप एक्चुअल कंपैरेटिव पोजीशन पे पहुंच पाओगे, आप सही डिसीजन ले सकते हो किसी डेटा के ऊपर जब वो सिमिलर रूल्स के ऊपर बनाया गया, ठीक है। इसलिए अकाउंटिंग पॉलिसी हमारी सिमिलर होनी बहुत जरूरी है, जहां तक प्रैक्टिकेबल हो, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ केसेस में आप चाह कर भी आप उसको सेम नहीं रख सकते, देन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू व्हाट यू गॉट टू डू इज कि आप डिस्क्लोज कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो कि हाँ कि इस पार्ट का इम्पैक्ट इतना रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर उन्होंने स्पेशली बोला कि जब भी आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने जाओ ना, तो वहां पर जो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी जहां जहां नहीं फॉलो हो रही, वहां पर आप क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट फॉर नॉन यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी बनाओगे, क्योंकि जहां पे नॉन यूनिफॉर्म आ गई तो आपको कुछ तो एडजस्टमेंट करके अपना कंपेरेटिव फिगर में उसको लाना पड़ेगा ना, तो वो फिगर्स का ट्रैक रखने के लिए क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट फॉर नॉन यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी बनाएंगे, एंड देन उसी के बेसिस के ऊपर कंसोलिडेशन किया जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया कि हो सकता है कि अकाउंटिंग नॉर्म्स डिफरेंट हो जाएं कंपनीज के ऊपर। नाउ
उस केस के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्टमेंट अलग से करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन हमारे उन्होंने क्या बोला, बैंक शैल यूज कंसोल फॉर कंसोल्टेशन पर्पज रूल्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू द बैंक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइक ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट्स इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। कई बार क्या हो सकता है कि आपके ऊपर डिफरेंट रूल्स ही अप्लाई हो गए। बेस्ट एग्जाम्पल इज फॉरेन सब्सिडरीज, फॉरेन ब्रांचेस के केस में ऊपर, कि उस कंट्री में लॉ अलग गया, आपकी कंट्री में लॉ अलग गया, ठीक है। तो काफी ट्रांजेक्शन डिफरेंट होगी, तो उन्होंने क्या बोला कि उस केस में कंसोलिडेशन करने के लिए क्या करेगा बैंक, बैंक सिमिलर ट्रांजेक्शन के ऊपर क्या करेगा, अपना वाला रूल ही अप्लाई करेगा एंड उस अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगा, ठीक है। एंड जिस केस में कुछ नॉर्म्स प्रिस्क्राइब नहीं किए हैं आरबीआई ने, ठीक है, तो वहां पे उसको क्या करना पड़ेगा, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है उस चीज को फॉलो करो। जहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं कुछ है तो वहां पे मतलब आरबीआई है तो आरबीआई प्रिवेल करेगा, राइट। इस तरह से होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं एंड लॉ होता है, आरबीआई जो बोलेगा दैट इज लॉ, राइट। तो अगर लॉ कुछ नहीं बोल रहा तो क्या प्रिवेल करेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बट अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग चीज बोल रहे हैं और लॉ अलग चीज बोल रहा है, तो यहाँ पर कौन प्रिवेल करेगा, हम किसको फॉलो करेंगे, हम हमेशा लॉ को फॉलो करेंगे, लॉ विल प्रिवेल, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या बोली है कि रीजनल रूरल बैंक को हम क्या मानेंगे, एसोसिएट मानेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन विद इट्स स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। तो वहां पे उसको एज अ एसोसिएट कंपनी हम कंसोलिडेट कर देंगे। देन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स को वैल्यू कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इक्विटी मेथड फॉलो किया जाएगा वैल्यूएशन का। इक्विटी मेथड क्या होता है कि जितनी इक्विटी हम होल्ड करते हैं एसोसिएट्स के अंदर, जैसे मान लो कि अगर मेरी कोई एसोसिएट कंपनी है एंड मैं उसमें 25% शेयर होल्डिंग रख रही हूँ, तो यहाँ पे इक्विटी मेथड का मीनिंग क्या होता है कि जब मैं एसोसिएट को अपनी बुक्स में कंसोलिडेट करूंगी ना, उसकी एसेट्स का सिर्फ 25% ऐड करूंगी, उसके प्रॉफिट का सिर्फ 25% ऐड करूंगी, इस तरह से करूंगी, ठीक है। जब नॉर्मल कंसोलिडेशन करते हैं वहां पे क्या होता है, हम सारी एसेट्स को लेते हैं, बिकॉज कंट्रोल तो हमारा सारे के ऊपर है ना। जब कंट्रोल होता है तब तो उसका जो जो उसका वो मेरा है, ठीक है, वो वाला हिस्सा होता है। बट एसोसिएट्स के केस में ये नहीं होता, वहां पे आपके पास लिमिटेड कंट्रोल होता है, लिमिटेड इन्फ्लुएंस आपका, तो वहां पे आप क्या करोगे, सिर्फ अपने हिस्से तक का ही आप इंक्लूड करके चलोगे। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या फॉलो करते हैं, इक्विटी मेथड फॉलो करते हैं। तो ये हो गया क्लियर। नाउ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी विच आर नॉट कंसोलिडेटेड एंड एसोसिएट्स विच आर एक्सक्लूडेड अंडर AS 23 शैल बी एज पर रेलिवेंट वैल्यूएशन नॉर्म इशूड बाय द आरबीआई, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो इन सब्सिडरीज को हम कंसोलिडेट नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ सब्सिडरी को आप कंसोलिडेट नहीं कर रहे हो फॉर सम पर्पज, आपने उसको क्या करा है, एक्सक्लूड करा है, तो वहां पे उसकी वैल्यूएशन क्या आप किस हिसाब से करोगे, आप जिस तरह से आरबीआई रेकमेंड करेगा, ठीक है। एंड जॉइंट वेंचर्स के केस में आप क्या करोगे, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन करोगे। तो सिमिलरली प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन क्या होगा कि जितना आपका जॉइंट वेंचर में हिस्सा आप उतना ही लेके आओगे, ठीक है। ये हो गया क्लियर। देन क्या बोला, बैंक्स में टेक इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू एक्सक्लूजन ऑफ सब्सिडरी एसोसिएट फ्रॉम कंसोलिडेशन अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। तो कौन कौन सी सब्सिडरी को एक्सक्लूड करना होता है कंसोलिडेशन से, हम अभी हमने ऊपर डिस्कस करा ना कि कभी कभार हमें कोई सब्सिडरी को, हर एक सब्सिडरी को कंसोलिडेट नहीं करना होता, तो वहां पे वैल्यूएशन आरबीआई के अकॉर्डिंग होगी। तो ये डिसाइड कैसे होगा कि किसको एक्सक्लूड करना है, तो ये कौन बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको गाइडेंस देगा, ठीक है। देन एट लास्ट वी हैव SA 500, SA 580। सो SA क्या होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं ये, ठीक है। एंड ये इश्यू कौन करता है, इश्यू करता है ये ICA इशू करता है, एंड मतलब और बॉडीज होती हैं ऑडिटिंग के रिलेटेड, वो इशू करती हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो किसको फॉलो करने होते हैं, ऑडिटर को फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि 580 होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का, कि ऑडिटर जब भी ऑडिट करता है ना, तो वो मैनेजमेंट से राइटिंग में चीजें लेता है, एंड जब भी मैनेजमेंट कुछ राइटिंग में देती है, दैट इज व्हाट, कि मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रही है ऑडिटर को। तो ऑडिटर जब भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, तो उसको कुछ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जरूर लेने चाहिए, ये ऑडिटर को ध्यान रखना है। तो वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है कि कंप्लीटनेस ऑफ कॉम्पोनेंट इंक्लूडेड इन CFS। अब एक बात बताओ, ऑडिटर तो बाहर का बंदा है, ठीक है, वो बाहर से आ रहा है, वो अपना बाहर से जितनी अंडरस्टैंडिंग अपने मेथड से लगाकर कर सकता है, समझ सकता है, वो कर रहा है, ठीक है।
बट एक्चुअली अंदर की बात किसको पता होगी? मैनेजमेंट को पता होगी। मैनेजमेंट को सच में पता होगा ना कि हाँ ये कंपनी मेरी कंसोलिडेट होनी चाहिए। ऑडिटर तो अपने मेथड लगा के निकालेगा कि हाँ ये होनी चाहिए, बट हो सकता है कि कुछ उससे मिस हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट को बोलेगा कि आप मुझे लिख के दो कि जितने कंसोलिडेट होने चाहिए थे वो एक्चुअली सारे हो गए कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी बहुत जरूरी है। देन सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए जो जो रिपोर्टेबल सेगमेंट थे वो सारे हो गए हैं। रिलेटेड पार्टीज के साथ जो ट्रांजेक्शन्स थी, जो रिलेटेड पार्टीज आप बता रहे हो वो सारी ही यही हैं, इसके अलावा आपने कुछ हमसे छुपाई नहीं है। बिकॉज मेरे रिश्तेदार कौन है ये चीज मुझे पता होगी ना ज्यादा, ठीक है। अभी बाहर से कोई बंदा आएगा वो मेरी लाइफ देख रहा है, वो समझ रहा है अच्छा हाँ इसका ये भी रिश्तेदार है, इसके ये दोस्त है, फलाना फलाना, ठीक है। बट एक्चुअली ट्रू पोजीशन किसे पता होगी, मुझे पता होगी, मुझे पता होगा कि मेरी किसके साथ कितनी ट्रांजेक्शन है, कौन मेरा ज्यादा अच्छा रिश्तेदार है, कौन मेरा नहीं रिश्तेदार अच्छा, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज में रिलेटेड पार्टीज होती हैं जो लॉ के अंदर डिफाइन करी जाती हैं एंड उसके ऊपर स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल होती हैं, काफी चीजों का ध्यान देना होता है रिलेटेड पार्टीज के ऊपर। तो ऑडिटर नहीं पता कर सकता सबको, तो वहां पे वो क्या करेगा, मैनेजमेंट के ऊपर रिलाय करेगा। बट रिलाय ऐसे ही नहीं करते, मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं कि आप हमें लिख के दो जी कि जो जितने हैं आपने हमें बता दिया है, ठीक है। देन अप्रोप्रिएटनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, अब जितनी एडजस्टमेंट होनी थी वो आपने कर दी है। एंड जो इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन एलिमिनेट होनी थी, जो घर का लेना देना, घर के फालतू के प्रॉफिट जो आपने ऐड करे हुए थे वो आपने निकाल दिए, ये आप हमें राइटिंग में लिख के दीजिए, आप उस पर क्लेम कीजिए कि हाँ आपने ये करा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे पॉइंट्स जो जिनका ध्यान रखना होता है किस केस में, जब भी आप क्या करोगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, ठीक है। सो दिस इज जस्ट आई वुड से लाइक आपको एक ओवरव्यू भी नहीं मिला अभी ट्रूली कि कंसोलिडेशन होता क्या है, ठीक है। कंसोलिडेशन इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस, ठीक है। तो वो तो जब आप एक्चुअली कभी इंक्लूड हो गए देन यू विल सी दैट। सो इससे आपको कॉन्टेक्स्ट जरूर मिला कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग हम आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो बाय बाय।